हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ दिखाने और कुछ बताने आया हूं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी लोग हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हम पे बिलीव करने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। अभी देखिए, ये हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ते हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को अपडेट भी देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला फ्री का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा और कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि रिसेंटली एक वीक से मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर मुझे आपका लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टॉक्स वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उनका और एक क्वेश्चन है कि सर अगर मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो आप मुझे कितना परसेंट का रिटर्न बना के दे सकते हो साल का, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपको साल का कितना बना के दे पाएगा, ठीक है, पहली बात तो ये। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं कि सर मुझे 50% का रिटर्न मिल जाएगा क्या साल में, मुझे 60% का रिटर्न मिल जाएगा क्या। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं सर आप तो 4 महीने में 200% का रिटर्न दिला रहे हो तो मुझे क्या साल में 100% का रिटर्न मिल जाएगा मेरे कैपिटल पे। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हो ना तो बैंक आपको FD करने के बाद भी आपको आपके पैसे पे 7% तक देती है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो ना तो म्यूचुअल फंड वाले भी आपको साल का 12-15% ही एवरेज रिटर्न देते हैं, ठीक है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 12-15% मिलेगा ही या नहीं, ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कभी कम भी मिल सकता है, वो वैरी करते रहता है। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों को एक चीज अपने से पूछनी चाहिए कि क्या मुझे, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि साल का 50%, साल का 100%, क्या ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली उन लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि आपको वो इतना परसेंट बना के देगा साल का, तो आप उनके साथ जा सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। देखिए, मैं ये जो आपको स्टूडेंट्स वगैरह के जो भी प्रॉफिट्स वगैरह दिखाता हूँ, इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है, मैं आपको पर्पस समझाना चाहता हूँ। पर्पस मेरा ये है कि मार्केट में लोग बहुत जगह अलग अलग लेवल पे बहुत सारा पैसा देके जाते हैं। मैंने खुद एक ऐसा कोर्स किया हुआ है 1.5 लाख रुपए देके, जहां पे मुझे कुछ नहीं, सिर्फ 6 तरीके के कैंडलस्टिक बताए गए, सच बता रहा हूँ, सिर्फ 6 तरीके के कैंडलस्टिक्स। मैंने 2021 दिसंबर से मार्केट को सीखना शुरू किया है, ठीक है, 2021 दिसंबर। तो उसके बाद जब मैंने वहां पे देखा कि इतने पैसे देने के बाद मुझे सिर्फ कैंडलस्टिक, और बाद में जब मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया खुद से, तो मैंने ये देखा कि इन्होंने जो मुझे कैंडलस्टिक बताए हैं, ये सारी चीजें ना लोग फ्री में यूट्यूब में डाल के रखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं ये बोला कि मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा पैसा ले लेके बैठे हुए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक कोर्स का चार्ज करते हैं। मैंने खुद दिए, मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा, तो वो बोलते हैं मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैंने पैसे दिए, हमने कुछ नहीं सीखा, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाने का, जो भी मैं स्टूडेंट्स के प्रॉफिट दिखाता हूँ ये सब दिखाने का पर्पस क्या है, सच बताऊं तो मेरा पर्पस लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है, लोगों को नॉलेज देना है, लोगों को लर्निंग प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं मैं एवरी वीकेंड पे एक एक करके मैं लर्निंग वीडियोज बना रहा हूँ, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझने का, लोगों को प्रैक्टिकल करने का, मार्केट में चीजों को देखने का मौका मिले, ठीक है। तो ये सब चीजें करके मैं लोगों को चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैं आपको फ्री में भी दे सकता हूँ, ठीक है। जो चीजें मैं पर्सनली देखता हूँ वो सब चीजें मैं आपको फ्री में भी दे सकता हूँ, बट सच बताऊं तो फ्री में जो चीजें मिलती है ना लोग उसको वैल्यू नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे बोला कि अंशुमन तुम ये कैसे करते हो, तुम मुझे बताओ, मैं भी करूंगी ऐसा, ठीक है, मुझे भी सीखना है। तो मैंने उसे 3 दिन बैठ के जो भी मैं चीजें देखता हूँ, जैसे मैं चीजें करता हूँ, वो सारी चीजें मैंने उसे बताई, बट बताने के बाद अभी भी वो उस चीज को सीख नहीं पाई, क्यों पता है, क्योंकि मैंने जो उसे फ्री में बता दिया ना, मैंने उसे वो जो नॉलेज है मैंने उसे फ्री में दिया, मैं 1.5-2 घंटे मैंने उसको बैठ के बताया 3 दिन तक कंटिन्यूअसली, बट उसने उस चीज को वैल्यू नहीं करा, और वो अभी मेरे को बोलती है कि तुमने मुझे उस समय जो बताया था
अगर मैंने उस चीज को तब फोकस कर लिया होता ना, तो शायद मैं अभी अच्छा खासा पैसा बना रही होती। वो भी अभी इसको पैसा देती है, कहीं वहां पैसा दे रही है, कहीं इसका सब्सक्रिप्शन बाय कर रही है, कहीं उसका सब्सक्रिप्शन बाय कर रही है, और वो एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही बोलती है कि यार कहीं ना कहीं किसी भी सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पस आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करना है। सिंस अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, इसीलिए मैं अभी कोर्स वगैरह की कोई बात नहीं करता। ठीक है, लोग लाख रुपए दे रहे हैं, हजारों रुपए दे रहे हैं, बहुत रुपए दे रहे हैं, बट लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है सही तरीके से। आप देखते होंगे मैं एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक पे मैं एनालिसिस करता हूँ, और सिंपल तरीके से ही मेरे सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। आप IRFC बोल लो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप GMDC बोल लो, आप HSCL बोल लो, आप बिरला शॉप बोल लो, आप शिल्पा मेडिकेयर बोल लो, आप बालाजी टेलीफिल्म्स बोल लो, चाहे कितने स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप कोचिन शिपयार्ड बोल लो, आप माजगांव डॉकयार्ड बोल लो, सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ठीक है, और सारे स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जितने स्टॉक शेयर किए हर स्टॉक भागे, बट मैक्सिमम स्टॉक्स ने परफॉर्म करा है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरा कितना परसेंट रिटर्न बन जाएगा अगर मैं आपके लर्निंग ग्रुप में आऊंगा, आप कैसे क्या बताते हो, क्या समझाओगे, क्या दोगे, तो मैं आप लोगों के लिए आज कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। मैं मे मंथ से अपना ये जो हमारा लर्निंग का जो ग्रुप है, जो हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो मैंने स्टार्ट करा था, और मे मंथ के बाद से मैंने जितने भी स्टॉक्स दिए हैं वो स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा है, मैं उसमें से 10-15 स्टॉक मे मंथ के उठा के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोग देख के एक अंदाजा लगा पाए लास्ट 4 मंथ्स के अंदर कितने दिनों में या फिर अभी तक कितना परसेंट रिटर्न मिला है उन स्टॉक्स में। मैं आप लोगों को फ्रेंकली उन 10-15 स्टॉक्स के चार्ट प्लस हमारे स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको प्रूफ दिखाते हुए बताऊंगा, ताकि आपके और मेरे बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला स्टॉक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड। ठीक है, ये देखिए हेरिटेज फूड हमने शेयर किया था 8 मई को 181 के प्राइस पे। ठीक है, ये वाला एरिया पे हमने शेयर किया था, और ये देखिए इसने कितने दिनों में ये रिटर्न दिया है, इसने ऑलमोस्ट 58% का रिटर्न दिया है 76 डेज। 76 डेज मतलब ओवरऑल सैटरडे संडे को कंसिडर करके 76 डेज, और अगर आप वर्किंग डेज देखोगे तो 53 डेज। ठीक है, तो 76 डेज यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.25 महीना के अंदर इसमें हमें 60% का रिटर्न दिया। ठीक है, और उसके प्राइस थोड़ा सा फॉल किया और फिर अभी वो उसी एरिया के आसपास घूम रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि ये स्टॉक हम लोगों ने 8 मई को अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर करा था। अब आज का जो दूसरा स्टॉक है वो है मेनन बेरी। देखिये मेनन बेरिंग को हमने इस एरिया पे शेयर करा था 9 मई के दिन, इस एरिया पे शेयर करा था 119 पे। पहले आप प्रूफ देख लीजिए, आई होप आपने देख लिया। अब देखिए 9 मई से अभी तक इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% का यहाँ पे अभी तक का रिटर्न देता हुआ दिख गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक में, वो हो गया हमारा अडानी पावर। अडानी पावर देखिए मैंने कब दिया था, अडानी पावर मैंने दिया था यहाँ पे 10 मई के दिन। ठीक है, ये 10 मई का हमारा चार्ट है, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। आई होप आपने देख लिया, अडानी पावर देखिए मैंने यहाँ पे 10 मई को दिया था, और 10 मई के बाद से उसने अभी तक कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 53% का रिटर्न। ठीक है, आपने उसी इमेज में देखा, मैंने अडानी एंटरप्राइज के बारे में भी बताया था, ये देखिए हमारा अडानी एंटरप्राइज का चार्ट, और अडानी एंटरप्राइज भी जो हमने यहाँ पे 10 मई को दिया था, ये देखिए हमारा 10 मई का दिन है, और उसके बाद देखिए उसने 6-7 दिनों में यानी कि 12 दिनों में, देखिए 12 वर्किंग डेज और 16 दिनों के अंदर ओवरऑल 45% का रिटर्न दिया था। पर ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब प्रोबेबिलिटीज है, जो ये प्राइस इस एरिया तक जा सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करेंगे। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड को देखिए हम लोगों ने इस एरिया के आसपास शेयर किया था, हाँ 10th मई को शेयर किया था। आप पहले प्रूफ देख लीजिए, आई होप आपने देख लिया, ये देखिए ये एरिया पे हमने शेयर किया था 10th मई के दिन, और देखिए 10th मई से उसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 4 मंथ्स पे 40% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न देता हुआ दिख गया। और इमामी लिमिटेड अगर मैं सच बताऊं ना, तो इमामी लिमिटेड आने वाले समय में और भी ऊपर जा सकता है, एंड दीज आर द टारगेट्स जहां तक इमामी लिमिटेड रीच कर सकता है। अभी आने वाले समय में और भी 15% ये रीच कर सकता है, और ये लेवल्स को ब्रेक करेगा ना, तो आने वाले समय में 600, 700, 800 तक भी जा सकता है। ठीक है,
अब हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन देखिए, हमने यहाँ पे 9th मई को शेयर करा था इस एरिया के आसपास 148। पहले आप प्रूफ देख लीजिए, आई होप आपने देख लिया ये वाला। देखिए इस एरिया पे हमने शेयर करा था और यहां से देखिए इसने ऑलमोस्ट 15 दिनों के अंदर और 11 वर्किंग डेज के अंदर, इसने 15 दिन भी नहीं, अगर मैं यहां तक ऐसे यहां पे स्प्रेड कर दूं तो इसने ऑलमोस्ट 8 दिन के अंदर और 6 वर्किंग डेज के अंदर इसने 20% का रिटर्न दिया था। उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं फॉल करा, देखिए हमारे बाइंग प्राइस से भी प्राइस थोड़ा सा नीचे गया था, फिर देखिए अभी वो उसी एरिया के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग आप लोगों के साथ कोई भी स्टॉक शेयर करेंगे, हो सकता है वो 10-15% 20% तक फॉल करे, बट ओवरऑल हम लोग आपके साथ यही कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी लर्निंग ग्रुप में स्टॉक शेयर करते हैं वो आने वाले समय में ऊपर ही जाए। बट इन केस अगर आपको ज्यादा लॉस हो रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स में आपने काफी ह्यूज क्वांटिटी बाय करी है और आपको लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप वहां से स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ। हम लोग डेली बेसिस पे 2-3-4 इस तरीके से आप लोगों को स्टॉक्स देते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं एनालिसिस करके, तो उन स्टॉक्स को भी आप अपने हिसाब से स्टडी करके देख सकते हो। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, जब मैं आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड कर दूंगा ना, तो उसके बाद अगर आप हमारे स्टॉक्स को देखोगे तो आपको भी एक नॉलेज रहेगा कि हाँ मुझे स्टॉक्स में क्या करना है। इसीलिए मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें शो कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सोना BLW। ठीक है, सोना BLW देखिए हमने इस एरिया के आसपास सजेस्ट किया था 10th मई के आसपास। देखिए 10th मई के आसपास वो ऊपर जाके अच्छा खासा नीचे आया था, यानी कि 537 से वो 500 के आसपास आया था। ठीक है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 7-8% फॉल करा था और उसके बाद देखिए अभी रिसेंटली उसने सिर्फ 16% का रिटर्न दिया है, 4 मंथ में सिर्फ 16%। ठीक है, मैं आप लोगों को इसीलिए सारी चीजें एकदम दिखा रहा हूं ताकि आप कोई भी मन में बहुत बड़ा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठो, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं जब भी एनालिसिस करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी स्टॉक्स दूं वो अच्छा खासा परफॉर्म करें, बट जरूरी नहीं है कि जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को दूंगा हर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट मैक्सिमम स्टॉक्स जो मैं देता हूं वो मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा खासा परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये देखिए अभी तक सिर्फ इतना ही परफॉर्म किया है, बट आने वाले समय में ये हमारा 1000 रुपए तक का भी टारगेट है। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने देखिए यहाँ पे 10 मई को यहाँ पे शेयर करा था, ये देखिए प्रूफ देख लीजिए। तो आई होप आपने प्रूफ देख लिया। ठीक है, अब हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक में। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने 127 के करीब दिया था, कौन से रेट पे, ये हो गया हमारा 15th मई का दिन। ठीक है, पहले आप प्रूफ देख लीजिए, आई होप आपने देख लिया। अभी देखिए यहाँ पे इसने मई से लेके अभी तक इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 52% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक में। अब नेक्स्ट स्टॉक हमारा आ गया बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट मैंने YouTube पे भी आप लोगों के साथ शेयर करा था, जो हमारे टारगेट्स थे वो भी अचीव होते हुए दिख गए हैं। ये मेरा चैनल 1 महीना हुए है बनाए हुए और उसके पहले ही हमारे यहाँ पे जो 20-30% का टारगेट था यहाँ पे बिरला सॉफ्ट में अचीव होता हुआ दिख गया है सिर्फ 1 महीने के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे शेयर करा था 16 मई को, 16 मई के बाद से प्राइस ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 67% का रिटर्न दिया है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे हमने 16 मई के दिन बिरला सॉफ्ट को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा था। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे अपने दूसरे स्टॉक में और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग देखिए हमने यहाँ पे 18th मई को शेयर करा था इस प्राइस के आसपास, 28 का प्राइस। आप पहले प्रूफ देख लीजिए, तो आई होप आपने प्रूफ देख लिया। इस एरिया पे हम लोगों ने शेयर करा था और उसके बाद देखिए उसने यहाँ पे 62 का हाई लगाया था, 115% का रिटर्न है। ठीक है, मैंने बोला भी था रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्टॉक है और छोटा स्टॉक में कभी कभी मोमेंटम बहुत फास्ट होता है और कभी कभी सडनली वहां पे सेलर्स भी आके प्राइस को कंटिन्यूअसली ड्रॉप करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला था थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है HEG Limited। HEG Limited को देखिए हमने यहाँ पे 18 मई को शेयर करा था। मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, आप प्रूफ देख लीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा, 18 मई को मैंने इस ग्रुप में यहाँ पे शेयर करा था और उसके बाद देखिए उसने 53% का रिटर्न दिया है अभी तक। ठीक है, अब हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ।
हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया देखिए हमने 22 मई को शेयर करा था और ये मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी शेयर करा है। 22 मई को देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करा था और उसने अभी तक यहाँ पे कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 62% का। आप प्रूफ भी देख लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया कि 18 मई को यहाँ पे हमने एनएलसी इंडिया 90 पे शेयर करा था और उसने अभी तक यहाँ पे हमें 62% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा टेक्नोलॉजीज मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब पे भी शेयर करा है और ये देखिए हमारा 24-25 मई का दिन है जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा था। पहले आप प्रूफ देख लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया, ये देखिए वो है दिन है 24 मई का, 25 मई का दिन, और 25 मई से देखिए इसने अभी तक 46% के आसपास का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये देखिए ये है मुंजल शोवा। मुंजल शोवा देखिए हमने 26 मई के दिन शेयर किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में। ये है कितने का प्राइस, 103 का प्राइस। देखिए यहाँ पे 26 में, पहले आप प्रूफ देख लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया, 26 मई के दिन हमने ये वाला स्टॉक शेयर करा था देखिए इस प्राइस के आसपास 103 पे, और उसके बाद देखिए उसने अभी तक 53% के आसपास तक का रिटर्न दिया है और आने वाले समय में ये रिटर्न्स मैं इसमें आने वाले समय में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लास्ट स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल वीडियो में लेके आया था। तो यही सारे वो स्टॉक्स हैं जो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के साथ 4 महीने पहले शेयर किए थे। देखिए मैं चाहता तो आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीने पहले वाले स्टॉक्स ला के दिखा सकता था, पर अगर उन्होंने 10-15% भी परफॉर्म किया होता ना तो मैं ये बोल सकता था देखिए अभी 1 महीने में 10-15% परफॉर्म किए हैं, आने वाले समय में ये और भी परफॉर्म करेंगे। बट मैंने आपको पहले के स्टॉक्स दिखाए कि पहले के स्टॉक्स जो हम लोगों ने मई मंथ से जब अपना स्टूडेंट्स का ग्रुप स्टार्ट करा था तब से जो जो स्टॉक्स हमने दिए थे स्टार्टिंग के 15-20 स्टॉक्स, वो अभी तक कितना परफॉर्म किए हैं या फिर वो अभी तक या फिर पहले तक कितना परसेंट का रिटर्न दिए हैं। तो मैंने वही चीज आपको एग्जांपल में दिखाया। तो जो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें आपका लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, क्या फीस है, कितना परसेंट का रिटर्न आएगा, क्या आएगा, आई होप आपको इसमें आंसर मिल गया होगा। अगर आप एक बहुत बड़ा रिटर्न अपने दिमाग में एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो मैं बोलूंगा कि मैं आपके लिए नहीं हूं, आप फिर किसी और को देख सकते हो। मार्केट जिस तरीके से चलेगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके साथ बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और बाकी बहुत सारे एग्जांपल जैसे बिरला केबल भी हमने अपने यूट्यूब पे दिए थे, IRFC दिए थे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो हम लोगों ने दिए थे और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल वीडियो में यही सारी चीजें शो करना चाहता था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कोई स्टॉक लेके नहीं आया हूँ, ये जो ओवरऑल वीडियो था ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइन लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के 2 वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।